वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रोनियम के बारे में। इलेक्ट्रोनियम को जो वर्ल्ड की बिगेस्ट एक्सचेंज है, जिसको हम बोलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज, वो इलेक्ट्रोनियम को लिस्ट करने वाली है। और लिस्ट करने से पहले किसी भी करेंसी का बाइनेंस एक्सचेंज पर आने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रोनियम क्रिप्टो करेंसी के जो भी इन्वेस्टर हैं, वो अभी बाइनेंस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बाइनेंस का जो ट्रेडिंग पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है और ट्रेडिंग इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जैसे कि इलेक्ट्रोनियम कम्युनिटी आ चुकी है पिछले 2 नवंबर से, 2017 से काफ़ी टाइम से चल रहा है, और अभी ये सोच रहे हैं कि बाइनेंस और बिट्रक्स पर इलेक्ट्रोनियम को लिस्टेड करवाएँ। ऑलरेडी 8 से 10 एक्सचेंज पर इलेक्ट्रोनियम लिस्टेड हो चुका है, और अभी इसके यूरो के और यूएसडी के और लिक्विड एक्सचेंज है उस पर भी ऑलरेडी आ चुका है। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉनियम करेंसी जो है उसको लिस्ट कराने से पहले इसकी कुछ शर्तें होती हैं बाइनेंस की, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज पर आप किसी भी करेंसी को लिस्ट करवाओगे तो उस एक्सचेंज की कुछ शर्तें होती हैं। तो उस शर्तों के बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है कि जल्दी इलेक्ट्रॉनियम उस पर लिस्ट करवाने में प्रोसेस चल रहा है उनका। और बाइनेंस एक्सचेंज जो है कि बहुत हैवी चार्ज करती है अमाउंट किसी भी कॉइन को लिस्ट कराने से पहले, और उसके कुछ कंडीशंस हैं, उसके बाद ही वो किसी भी करेंसी को लिस्ट करवाता है। पहले तो उनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके जो टोकन को लिस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनियम है जो कि काफ़ी टाइम से इसमें 2 से 3 महीने के बाद से काफ़ी लंबा इसमें एक्सप्लोर चल रहा है, और इसका जो ICO आया था उसने $40 मिलियन अर्न किया था। $40 मिलियन काफ़ी बड़ी अमाउंट है दोस्तों। तो उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जो कि मोबाइल बेस्ड माइनिंग क्रिप्टो करेंसी है, वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो हाउ डू प्रोजेक्ट गेट लिस्टेड ऑन बाइनेंस, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनेंस पर कोई भी कॉइन लिस्ट होता है तो बाइनेंस की जो शर्तें हैं वो किस प्रकार से होती हैं। पहले तो द डेवलपर कैन पे द फी अप फ्रंट फॉर द लिस्टिंग। जो डेवलपर होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, उसको एक फीस पे करनी होती है एक्सचेंज को। सेकंड क्या है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक्सचेंज के माध्यम से ही उनका जो प्रोजेक्ट है वो लिस्टेड किया जाएगा टोटली। और जो वोटिंग फॉर ए क्वाइन टू बी एडेड, और एड होने से पहले बाइनेंस एक्सचेंज उसकी वोटिंग करवाती है कि इंटरनेशनली कितने लोग इसको लाइक करते हैं। तो इस तरह की जो न्यूज़ है वो मार्केट में आ रही है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इलेक्ट्रोनियम आपको बाइनेंस और बिट्रक्स एक्सचेंज पे मिल जाए, और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ने की संभावनाएं हैं। अभी 250 सतोसी के आसपास चल रहा है, और आने वाले दिनों में आपको जो इलेक्ट्रोनियम का प्राइस है वो बूम देखने को मिल सकता है। तो अपना सेफ़ इन्वेस्ट कीजिए, सेफ ट्रेडिंग कीजिए, और ये अच्छी न्यूज़ है। और जैसे इलेक्ट्रोनियम पे लिस्ट होता है, बिट्रक्स पे लिस्ट होता है, तो उसका रेट भी बढ़ेगा। तो अभी प्राइस कम है, आप बाई करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपकी सारी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और हमारे चैनल को सोशल मीडिया पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।